गुरुग्राम में फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़, जिंदगियों से हो रहा था खिलवाड़। ये है मौत का अस्पताल। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। डॉक्टर्स को हमारे देश में भगवान का रूप कहा जाता है। अगर हमें स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, हम सबसे पहले अस्पताल भागते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर वही अस्पताल आपकी मौत की वजह बन जाए तो क्या होगा? जी हां, दरअसल गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौत के अस्पताल यानी फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया है, जहां लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम नजफगढ़ रोड पर एचडीएफसी बैंक के सामने एक बड़ा फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा है, यानी अस्पताल के पास कोई लाइसेंस नहीं था। यहां तक कि अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर्स के पास भी फर्जी डिग्री थी। सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल रेड के दौरान पता चला कि ओपीडी रजिस्टर में मरीजों के नाम के सामने जिन बड़े डॉक्टर्स का नाम लिखा गया था, उन डॉक्टर्स के नाम का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। असलियत में उस नाम का कोई भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था और ना ही किसी भी डॉक्टर का एमओयू पाया गया। रेड के दौरान अस्पताल संचालक ही मरीजों का इलाज करता पाया गया था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इतने बड़े स्तर पर यह फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा था। इस अस्पताल में न सिर्फ ऑपरेशन थिएटर बनाया गया बल्कि एक स्मार्ट लैब भी बनाई गई थी। वही जब अस्पताल की बिजली सप्लाई को चेक किया गया तो पता चला कि ऊपर वाली बिल्डिंग में अस्पताल का मालिक अपने परिवार के साथ रहता था और बिजली के सीधे तार लगाकर वो बिजली की चोरी भी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अस्पताल संचालक रामवीर समेत 3 लोगों को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आप भी ऐसे फर्जी अस्पतालों से सावधान रहे जो दवा के नाम पर मौत बांट रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।